गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बीए पार्ट अपना बीए पार्ट के अंदर राजस्थान का भूगोल है वो अपना टॉपिक चल रहा था। राजस्थान के भूगोल की अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ था अधिवासों का, जिसमें अपने क्या है अधिवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अधिवास क्या होते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अधिवासों की के प्रकार क्या होते हैं, अधिवासों के प्रतिरूप क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। लास्ट जो एंड अपना टॉपिक हुआ था उसमें अधिवासों की चर्चा है वो चल रही थी। आज अपना नया टॉपिक है राजस्थान में मरुस्थलीकरण। राजस्थान में राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया, ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया या समस्या, प्रक्रिया ना करके अपन क्या पढ़ेंगे, समस्या के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला तो अपना जो सब्जेक्ट है वो राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की मरुस्थलीकरण की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर क्या है आपका जो 60% भाग है, राजस्थान का 60% भाग है वो क्या है लगभग आपके मरुस्थलीकरण के अंदर ही सम्मिलित है, वो किया जाता है। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं, भारत को ना करके अपन पूरे विश्व की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में क्या है आपके 75% भाग पर क्या है मरुस्थलीकरण। देखो मरुस्थलीकरण है वो सिर्फ एक रूप में नहीं माना जाता है कि जहां पे मरुस्थल होते हैं वही आपका क्या हो जाता है मरुस्थल है, उसे अपन मरुस्थलीकरण नहीं कह सकते। मरुस्थलीकरण की परिभाषा बताऊंगी अभी, मरुस्थलीकरण क्या होता है, धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हैं वो समझते चलते हैं। देखो मरुस्थलीकरण की अगर बात करते हैं तो मरुस्थलीकरण है वो लगभग आपका क्या है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में क्या है भूमि के अंदर क्या होते हैं जो जैविक पदार्थ होते हैं उनकी क्या हो जाती है कमी हो जाती है, या कह सकते हैं कि मृदा के अंदर जैविक पदार्थ जो होते हैं या ह्यूमंस की मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है कम होने लग जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उस कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्या है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र होने के साथ साथ वहां पे जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है कृषि के लिए उपजाऊ मानी जाती है। आपका मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे थे अपन, पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो पूरे संसार के अंदर तो क्या है मरुस्थलीय भाग है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, 25% भाग है वो मरुस्थलीकरण की समस्या से क्या है ग्रसित माना जाता है। यानी कि ये तो क्या है विश्व में भूमि का प्रतिशत जो आपकी मरुस्थलीकरण है, और इस मरुस्थलीकरण के अंदर अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो 90 करोड़ के लगभग क्या है करोड़ जनसंख्या क्या है इस मरुस्थलीय भाग के अंदर क्या है निवास करती है। देखो अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर आपकी कितनी 60% भाग है वो क्या है मरुस्थलीय है, लेकिन क्या है यहाँ पे 39% या 40% भाग क्या है जनसंख्या का पाया जाता है। उसी तरीके से क्या है पूरे विश्व की अगर मरुस्थलीकरण की बात कर रहे हैं तो पूरा विश्व तो क्या है आपका 25% भाग के ऊपर क्या है मरुस्थलीय भूमि पाई जाती है, और इस मरुस्थलीय भाग के अंदर क्या है आपकी जो जनसंख्या है वो लगभग आपकी कितनी पाई जाती है लगभग क्या है 90 करोड़ के आसपास पाई जाती है। उसी आधार पे क्या है आपका जनसंख्या का क्या है 15% अंश इसी समस्या से
ग्रसित माना जाता है कि संपूर्ण विश्व की अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो मरुस्थलीयकरण की समस्या से कितने 15% जो जनसंख्या है वो क्या है इसका सामना कर रही है। राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग क्या है मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया है वो लगभग क्या है आपकी जलवायु शुष्क जलवायु वाले या कह सकते हैं कि अकाल वाले क्षेत्र के अंदर जहाँ पे अकाल पड़ जाता है तो वो प्रभावित क्षेत्र। तीसरा क्या है यहाँ पे क्या होता है अत्यधिक जनसंख्या हो जाती है तो वहां पे भी क्या है मरुस्थलीकरण की समस्या व्याप्त होती है। और दूसरा क्या है आपका मरुस्थलीकरण अत्यधिक जनसंख्या मानव के कारण पशुधन के जो पशुपालन जो किया जाता है उसके दबाव के कारण या क्या है आपका इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपका मरुस्थलीय भाग है जहां पे आपकी रेतीले टीले हैं। रेतीले टीले कौन कौन सी समस्या हो गई पहली तो है आपका मानव और जनसंख्या का दबाव की वजह से। दूसरा क्या होता है वनस्पति का जो नहीं पाया जाना। तीसरा क्या है यहाँ पे मरुस्थलीय टीले हैं वो अधिक पाए जाते हैं। और सबसे प्रमुख है आपकी शुष्क जलवायु। तो ये सारे क्या है आपके मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं यानी कि धीरे धीरे अगर देखा जाए तो मरुस्थलीकरण अगर इतना कुछ पढ़ाया है तो उससे क्या सार निकल के आता है कि जहां पे आपकी शुष्क जलवायु हो अत्यधिक मानव व पशुपालन अत्यधिक ठीक है अधिक या अत्यधिक। अगला है शुष्क जलवायु हो गई आपका क्या है अत्यधिक पशुचारण मृदा कटाव ये सारे क्या है आपके मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राजस्थान के हिस्सों की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर आपके पहला तो क्या है मरुस्थलीय भाग जो है राजस्थान का पश्चिमी भाग वहां पे जलवायु कौन सी है आपकी शुष्क जलवायु है। दूसरा क्या है अत्यधिक पशुपालन और अत्यधिक मानव के निवास से अत्यधिक क्या है पशुचारण करने से मृदा कटाव से तो इनसे क्या है आपकी मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है लगातार बढ़ रही है। तब से लेकर आपका क्या है सन 1917 से 1980 के समय में ये क्या है एक समस्या के रूप में सामने आई है और इस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रकार के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करने लगे सम्मेलन किए गए गोष्ठियां बनाई गई कार्यशालाएं किए गए। कब से 1970 से 1980 इस बीच में क्या कहे गए कि इस मरुस्थलीकरण की लगातार जो ये मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है किनसे एक तो अत्यधिक जलवायु शुष्क जलवायु अत्यधिक मानव दबाव पशुचारण मृदा कटाव ये सारे कारक मिलकर क्या है मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो समस्या सामने आई है राजस्थान में तो राजस्थान की इस समस्या को दूर करने के लिए 1970-80 के अंदर क्या है आपकी मरुस्थलीकरण की समस्या को रखा गया इस पे विचार विमर्श किया गया समस्या का समाधान ढूंढने के लिए क्या गोष्ठियां विचार कार्यशालाएं विचार रखे गए। सन 1952 के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है आपका जो एक विद्वान था 1952 की अगर बात करें आपका क्या है एक विद्वान जिनका नाम क्या है पीथावाला बनर्जी पीथावाला बनर्जी कब 1952 में पीथावाला बनर्जी ने देखो इसके बारे में क्या कहा थार मरुस्थल की उत्पत्ति पूर्व में इसके विस्तार आदि का क्या है वर्णन किया गया
और उसके बाद केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा अनेक समस्या, ये जो समस्या सामने आई है उसके ऊपर क्या है विचार विमर्श किया गया, संगोष्ठियां बनाई गई और इसके सम्मेलन के अंदर क्या है इसके ऊपर विचार विमर्श करने के बाद में इस पर एक क्या बनाया गया, इसी विचार प्रक्रिया मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के ऊपर विचार करने के बाद में 1977 में काजरी के अंदर, काजरी कहाँ है जोधपुर के अंदर, एक ग्रंथ का संपादन किया गया और उसके अंदर मरुस्थलीकरण के बारे में विचार किया गया। यह नैरोबी में 1977 के अंदर क्या है राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में मरुस्थलीय प्रकर्म आयोजित किया गया। मतलब अगर देखा जाए तो विश्व स्तर की अगर अपन बात करते हैं तो विश्व स्तर पे क्या है इस समस्या को, इस मरुस्थलीकरण की जो समस्या अपना टॉपिक है इसको दूर करने के लिए क्या है ब्राजील के अंदर आपके तटवर्ती नगर जो रियो डी जेनेरा के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1992 में सम्मेलन की स्थापना की गई और मरुस्थलीकरण की समस्या को क्या है इसके अंदर महत्व दिया गया। कब? 1992 में। कहां? ब्राजील। ब्राजील में रियो डी जेनेरो के अंदर क्या है मरुस्थलीकरण की समस्या को सर्वाधिक प्रावधान दिया गया या कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्या है महत्व दिया गया किसको मरुस्थलीकरण की समस्या को, क्योंकि संसार के अंदर मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार क्या होती जा रही थी बढ़ती जा रही थी, जिसके अंदर 1992 में ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरा के अंदर इस सम्मेलन के अंदर आपका क्या किया गया इस सम्मेलन के अंदर इस विचार को क्या है सर्वप्रथम स्थान दिया गया और इसके ऊपर क्या है विश्व सम्मेलन आयोजित किए गए और वह क्या है सफल नहीं हो सका और इस दृष्टि के अंदर काजरी जो जोधपुर में है वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि से अच्छा काम करना शुरू कर दिया गया। इसके अंदर ब्राजील में क्या है जो आपका सम्मेलन है इसके बारे में महत्व के बारे में बताया गया, लेकिन क्या है विश्व सम्मेलन के अंदर जो आयोजन हुआ वो क्या हो गया आपका सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हो गया इसके बारे में विश्व के अंदर क्या है ये जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे क्या है अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में आपका जोधपुर के अंदर काजरी के अंदर क्या है वैज्ञानिकों ने इस दृष्टि के ऊपर क्या है अच्छा काम करना शुरू कर दिया। मतलब जो आपकी काजरी के अंदर जोधपुर, जोधपुर में आपका काजरी है वहां पे मरुस्थलीकरण की समस्या को क्या है थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाने लग गया है। तो इस तरीके से क्या है आपके मरुस्थलीकरण की उत्पत्ति है वो भारत के अंदर कौन से दशक के अंदर आपका लगभग क्या है 1952 के अंदर इसके अंदर क्या है संगोष्ठियां हैं वो शुरू होने लग गई है। तो दो चार लाइनें आपको बता देती हूँ वो नोट करते जाना। संसार में 25% भूमि मरुस्थलीकरण, 25% भूमि मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है और जनसंख्या कितनी है वह 90 करोड़
जनसंख्या मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है। बात करते हैं यहाँ पे क्या है, कुल जनसंख्या, जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत अगर बात करते हैं तो 15% जनसंख्या, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 15% भाग इससे प्रभावित है, और अगर इसके अंदर भारत की, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो किसके द्वारा की गई, 1952 के अंदर पीथावाला बनर्जी। राजस्थान में मरुस्थलीकरण करण की समस्या पीथा वाला बनर्जी ने 1952 में समस्या समस्या बनना शुरू हुई। आगे है, विश्व में 1970-1980 में मरुस्थलीकरण प्रक्रिया, मरुस्थलीकरण प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, इसके समाधान के लिए क्या है, इसके समाधान के लिए 1977 के अंदर नैरोबी में इस मरुस्थलीकरण के ऊपर क्या है विचार विमर्श करने के लिए 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्र में क्या है, नैरोबी में नैरोबी में 1977 में सम्मेलन व संगोष्ठियां की शुरुआत की गई। ठीक है, शुरुआत की गई जिसमें अगर देखा जाए तो आपका क्या है, 1900 आपका सम्मेलन नैरोबी में, और इसी की अगर चर्चा करते हैं तो विश्व सम्मेलन में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सम्मेलन का आयोजन किया गया
किया गया और सबसे प्रमुख बात मरुस्थलीकरण की रखी गई व इसी पर जोर दिया गया, ठीक है। और राजस्थान के क्या है, काजरी के अंदर क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, आपका जो वैज्ञानिकों द्वारा अच्छा काम है इसके ऊपर किया जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। राजस्थान में जोधपुर, काजरी में वैज्ञानिकों द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका वैज्ञानिकों के द्वारा मरुस्थलीकरण के ऊपर क्या है, जोधपुर काजरी के अंदर क्या है, काम किया जा रहा है, जिससे क्या है, ऐसी वैज्ञानिकों द्वारा नीति बनाई जा रही है जिसके क्या है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को क्या है, धीरे धीरे कम किया जा सकता है या थोड़ा क्या है, कुछ हद तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं मरुस्थलीकरण की परिभाषा की, शुरुआत करते हैं मरुस्थलीकरण होता क्या है, ठीक है। ये तो क्या है, मैंने विश्व की भारत में राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत के बारे में आपको बताया है कि क्या मरुस्थलीकरण की शुरुआत है, क्या इसके ऊपर विचार किए गए या नहीं किए गए, किए गए तो कहाँ पे किए गए, शुरुआत कहाँ से की गई। तो ये क्या है, आपकी मरुस्थलीकरण के बारे में सामान्य जानकारी थी। अगर अभी बात करते हैं मरुस्थलीकरण की परिभाषा, मरुस्थलीकरण की परिभाषा क्या होता है मरुस्थलीकरण, तो सबसे पहले क्या है, 1949 में अबूर विले नामक एक वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ था, जिन्होंने क्या है इस समस्या की ओर क्या है संकेत किया या इसके बारे में बताया। कब, 1949 में अबूर विले ने मरुस्थलीकरण की सर्वप्रथम परिभाषा दी या मरुस्थलीकरण होता क्या है इसके बारे में बताया। वो क्या थे, वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ थे, कौन, अबूर विले, ये वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ माने गए हैं या विशेषज्ञ हैं, किसमें, वनस्पति शास्त्र में। आगे अगर इनकी बात करते हैं तो इन्होंने क्या है वनस्पति के लिए बोला है कि मरुस्थलीकरण के लिए कहा है, मरुस्थलीकरण की समस्या को मानव द्वारा प्रभावित मृदा कटाव की प्रक्रिया द्वारा उपजाऊ भूमि को बंजर
अनुपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना ही क्या है, मरुस्थलीकरण बताया है। इन्होंने क्या कहा है कि मरुस्थलीकरण की समस्या को मानव द्वारा प्रभावित, मरुस्थलीकरण की समस्या